पहले मैं आपको बता देता हूँ मीटर का ओवरव्यू। तो भाई इसमें सबसे पहले लाइटों में देख लेते हैं, लाइट में हमें क्या क्या मिलता है। पहले मिलती है हमें यहाँ पे देखो एक न्यूट्रल लाइट, सेकंड मिलती है हमें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, गुड इवनिंग। तो कैसे हो भाई आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सब लोग अच्छे हों, मस्त हों, स्वस्थ हों। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:29 और मैं निकला था अभी किसी ज़रूरी काम से। तो सोचा एक आज एक ज़रूरी जानकारी, तो मैं कल बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था बाइक के अंदर, तो भाई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और थोड़े फीचर्स के बारे में मुझे पता लगा कि हाँ R15 के कंसोल डिजिटल मीटर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो भाई वही भाई सब चीज़ आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं। इसके 5-6 कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शायद बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो भाई आज उन्हीं चीज़ के बारे में अपन लोग बात करेंगे। और पहले मैं चल के रोकता हूँ बाइक किसी अच्छी जगह जहाँ थोड़ा एकांत हो, और फिर बताते हैं भाई आपको क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलते हैं। वैसे भाई वैसे शाम का टाइम हो रहा है, मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा अच्छा, और मौसम अच्छा मतलब समझो कि राइड करने की बात ही एकदम मस्त है। एक अलग ही व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल शाम का टाइम देखो कैसा हो रहा है, व्यू एकदम मस्त है बिल्कुल। और भाई मेरे साथ चल रहे हैं अकरम जी, ये देखो भाई आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं निकलने में, क्योंकि मंडे है तो थोड़ा सा काम भी था, तो भाई वही चीज़ के चक्कर में अपन होंगे थोड़ा सा लेट, बट कोई नहीं। और देखो सामने जा रही है गुड़गांव की रैपिड ट्रेन, ये है गुड़गांव की रैपिड मेट्रो ट्रेन, जिसमें केवल 4 ही कोच लगे हुए हैं। तो भाई ये गुड़गांव में ही सर्व करती है, गुड़गांव के अलावा तो अभी कहीं नहीं चलती। और ये देखो भाई यहाँ पे लगाई हुई है इन्होंने ज़बरदस्त टाइट सिक्योरिटी, ताकि कोई रॉन्ग साइड ना जा सके। तो अपन को चलना पड़ेगा पुल के ऊपर से। तो भाई देखो गुड़गांव के अंदर बिल्डिंगें कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग होती है, एकदम मस्त भाई लगता है शाम को के वाकई में किसी अच्छे शहर में हम लोग घूम रहे हैं। तो भाई मुझे गुड़गांव में जॉब करना इसीलिए पसंद है, क्योंकि एक तो शाम के टाइम जब राइड करते हैं ना और निकलते हैं, तो लगता है कि वाकई में भाई कहीं हम सच में जॉब कर रहे हैं, तो लगता है भाई गुड़गांव लाइक है मुंबई सिटी। लेकिन अभी अपने को मिलने वाला भाई देखो थोड़ा जाम सामने, आप लोग देख भी रहे होंगे जाम का हिसाब किताब हो रहा है, एकदम बेकार जाम लग रहा बढ़िया। और भाई धीरे धीरे बिल्कुल सरकना पड़ेगा इसमें तो 50-50 ग्राम। तो चलो देखते हैं कितने टाइम में अपन लोग निकलते हैं यहाँ से। और भाई साइड में तो निकल नहीं सकते क्योंकि साइडों में फंसी हुई हैं गाड़ियाँ, लेकिन धीरे 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 व्हीकल निकल रहे हैं भाई। तो होप सो हम लोग भी थोड़ा जल्दी निकल जाएं जाम में, ज़्यादा देर हमें लगना ना पड़े भाई। क्योंकि भाई इस समय जाम लगना एकदम कंपलसरी होता है शाम के टाइम। अगर यहीं 6:30 की बजाय हम लोग 7:30 निकलते तो होप्सो शायद हमें जाम ना मिलता, लेकिन अभी जाम है तो भाई जाम को भी सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सफ़र करे तो जाम से निकला नहीं जाएगा। और ये देखो बेवकूफ़ है भाई बिल्कुल, मतलब दिख रहा है जाम लग रहा है फिर भी बंदा डीपर मार रहा है, पता है कि निकलने के रास्ते हैं नहीं। पहले मैं आपको बता देता हूँ मीटर का ओवरव्यू। तो भाई इसमें सबसे पहले लाइटों में देख लेते हैं, लाइट में हमें क्या क्या मिलता है। पहले मिलती है हमें यहाँ पे देखो एक न्यूट्रल लाइट, सेकंड मिलती है हमें टेम्परेचर लाइट। अगर हमारी बाइक का टेम्परेचर हाई हो जाता है किसी वजह से तो भाई ये वाली लाइट ब्लिंक हो जाएगी, ये चेक लाइट होगी। अगर कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, बाइक में कोई दिक्कत आ गई है, तो ये चेक लाइट जलेगी। और भाई ये हो गई है यहाँ पर इंडिकेटर लाइट आपकी, और ये हो गई आपकी हाई बीम की लाइट। मैं बाइक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये भाई हाई बीम की लाइट है, और उसके नीचे आपको दिख रही है जस्ट ये है ABS लाइट जो येलो में जल रही है। तो भाई ये तो हो गया इसमें कुछ आपका ओवरव्यू। ये हो गया हमारा सेलेक्ट बटन, ये हो गया भाई हमारा रीसेट बटन। ओवरव्यू में बता देता हूँ भाई, ये वाला हमारा गियर इंडिकेटर है, यहाँ हमारा टाइम शो हो रहा है,
ये हमारा स्पीडोमीटर है, स्पीड काउंट करता है कि कितने स्पीड से बाइक चल रही है। ये फ्यूल का इंडिकेटर हो गया। और भाई ये हो गई है हमारी जो लाइन आपको दिख रही है, ये हमारी आरपीएम की लाइन है। अब दिखा देते हैं इसमें आपको मॉडिफिकेशन से पहले कि यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा। भाई यहाँ पे मिल गया हमें ये टाइम आ रहा है, फिर ये हमारा किलोमीटर पर लीटर का दिखा रहा है, फिर ये एवरेज दिखा रहा है भाई मेरे को 45.7, 2.1 लीटर में 100 किलोमीटर चल रही है। और इसको लॉन्ग प्रेस में करके रखूँगा तो 45.7 का मेरी बाइक इस समय अभी एवरेज दे रही है इस टाइम में। तो भाई इसको करते हैं यहाँ से, ये एवरेज स्पीड दिखा रही है 24 आवर पर किलोमीटर की एवरेज स्पीड से चलती है बाइक। ये ओडोमीटर दिखा रहा है भाई 1838 किलोमीटर अभी तक मेरी बाइक चल चुकी है जब से मैंने ली है। और भाई ये ट्रिप वन दिखा रहा है जो आज मैंने बाइक चलाई है 42.7 किलोमीटर। ये ट्रिप टू दिखा रहा है टोटल जो मैंने अभी तक पूरे बाइक चलाई है इसमें 290.7। और भाई ये वापस से आ गया टाइम। तो भाई ये तो हो गया कुछ ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस की कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो भाई सबसे पहले बाइक को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद भाई मैं दबाऊंगा सेलेक्ट बटन को एक बार, सेलेक्ट बटन दबाऊंगा और भाई चाबी करूंगा ऑन। और भाई इसको सेलेक्ट बटन को प्रेस करके रखना है बिल्कुल ऑन। तो भाई इसमें आपको जो इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारे LCD के इंडिकेटर। तो अगर हमें इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है तो भाई ये उसके लिए है, ये बिल्कुल डाउन हो गई एक नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये लास्ट है 6 नंबर तक जाती है। तो भाई ये हो गया, इसको प्रेस करके रखेंगे एक सेलेक्ट बटन को। तो भाई अभी आ गई है हमारी लाइट का निशान। तो इसमें लाइट के 3 मोड हमें मिलते हैं, एक बिल्कुल स्टेबल रहेगा, सेकंड वाला ब्लिंकिंग वाला है, थर्ड रहेगा आपका जो धीरे 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 ब्लिंकिंग करेगा। तो भाई हम इसको कर देते हैं ब्लिंकिंग मोड पे, सेलेक्ट करते हैं। अभी भाई ये आ गया हमारा RPM का, कितनी RPM पे हम लोगों ने सेट कर रखी है अपनी। तो भाई मेरी बाइक जो सेट है अभी 10,000 RPM पे सेट है। और भाई ये हो गई है फुल RPM, इसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। और भाई ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं ये इस लाइट के हैं, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए। तो भाई अगर मुझे इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम बढ़ती करनी है, वो यहाँ से हो जाएगी। तो भाई मैं इसको कर देता हूँ फुल, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। अभी भाई वापस से हम ओवरव्यू के ऊपर आ गए हैं। भाई एक बार फिर से वापस से करेंगे हम लोग चाबी को ऑफ, और चाबी ऑफ करने के बाद दबाएंगे हम रीसेट बटन, और भाई वापस से करेंगे चाबी ऑन। तो भाई ये आप देख रहे हो यहाँ पे नाम के लिए सेलेक्ट बटन, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो वो भाई नाम के अल्फ़ाबेट आपके चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो भाई जैसे इसमें हाई बडी लिखा है, मैंने नाम चेंज करने के लिए इसमें कुछ किया नहीं है। तो भाई मैं क्या करूँगा, इसको बडी पे ही रहने दूँगा, मैं नाम चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि भाई कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो इसमें समझ नहीं आते। तो ये मैं करूँगा यहाँ से नंबर्स हटा के इनको चेंज, और वापस से करूँगा इसको, ये ए आ गया और ये बी आ गया। और भाई इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेलेक्ट, और भाई यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस करके बार बार रखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट तक मेरे को इसमें जाना है। ये हो गया लास्ट और ये सेव, और भाई वापस से मीटर हो गया मेरा ऑन। तो भाई ये कुछ मॉडिफिकेशंस की, होप करता हूँ कि वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और भाई लाल कलर का बटन भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना भाई सब कुछ मेरा अधूरा है, तो सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर आपसे भाई नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।